नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेनों को लेकर। उत्तर बिहार की कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसके रूट में डाइवर्ट किया गया है, रूट को जो है बदला गया है। रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई तरह के बदलाव करता रहा है, जिससे कि यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। रेलवे इन दिनों पटरी पर खास ध्यान दे रहा है, जिससे कि ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाई जा सके। आपको बता दें कि उत्तर बिहार से खुलने वाली एक दर्जन से भी अधिक ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। इसको लेकर बोलते हुए पूर्व रेल मध्य के जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वाराणसी मंडल के बलिया और हिहार रेलखंड पर स्थित यूसुफपुर कमरुद्दीनपुर स्टेशन के मध्य दोहरीकरण कार्य को लेकर 30 जुलाई तक नन इंटरलॉकिंग कार्य के मद्देनज़र पूर्व मध्य रेलवे से खुलने वाली, या हम कहें कि उस रूट से गुजरने वाली गाड़ियां हैं जिसके कि रूट में बदलाव किया गया है। आइए अब जान लेते हैं उन ट्रेनों के बारे में जिसका कि रूट बदला गया है। गोंदिया से खुलने वाली 15232 गोंदिया वाराणसी एक्सप्रेस का रूट 27, 28 और 29 जुलाई को बदल गया है। अब यह जो है और बिहार मयू फेफना के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। बरौनी से खुलने वाली 15231 बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस का रूट 26 और 31 जुलाई को बदला हुआ है। यह ट्रेन जो है फेफना मऊ और बिहार के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। आनंद विहार टर्मिनल से खुलने वाली 14008 आनंद विहार टर्मिनल रक्सौल एक्सप्रेस का रूट 26 और 28 जुलाई को बदला है। यह ट्रेन जो है और बिहार मऊ फेफना के रास्ते अपने आखिरी स्थान तक पहुँचेगी। रक्सौल से खुलने वाली गाड़ी संख्या 14007 रक्सौल आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस का रूट 27 और 29 जुलाई को बदला है। यह ट्रेन जो है फेफना मऊ और बिहार के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। डॉक्टर अंबेडकर नगर से खुलने वाली 19305 डॉक्टर अंबेडकर नगर कामाख्या एक्सप्रेस का रूट बदला है। यह ट्रेन जो है 28 जुलाई को और बिहार मऊ फेफना के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। लोकमान तिलक से खुलने वाली 11061 लोकमान तिलक टर्मिनल जयनगर एक्सप्रेस का ट्रेन जो है 28 जुलाई का इसका रूट बदला है और यह ट्रेन जो है और बिहार मऊ फेफना के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। नई दिल्ली से खुलने वाली गाड़ी संख्या 12562 नई दिल्ली जयनगर एक्सप्रेस 30 जुलाई को इसका रूट बदला है और बिहार मऊ फेफना के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। नई दिल्ली से खुलने वाली गाड़ी संख्या 20504 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस का रूट 26 और 30 जुलाई को बदला है। यह ट्रेन जो है और बिहार मऊ फेफना के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। नई दिल्ली से खुलने वाली गाड़ी संख्या 20506 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस का ट्रेन का रूट जो है 26 और 30 जुलाई को बदला है। यह ट्रेन जो है और बिहार मऊ फेफना के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। बरौनी से खुलने वाली 14523 बरौनी अंबाला कैंट एक्सप्रेस का रूट 28 जुलाई को बदला है और यह ट्रेन जो है फेफना मऊ और बिहार के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। आनंद विहार टर्मिनल से खुलने वाली 14018 आनंद विहार टर्मिनल रक्सौल एक्सप्रेस का 27 जुलाई का रूट बदला है और यह ट्रेन जो है और बिहार मऊ फेफना के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। लोकमान तिलक टर्मिनल से खुलने वाली 15268 लोकमान तिलक टर्मिनल रक्सौल एक्सप्रेस का रूट बदला है, जो कि और बिहार मऊ फेफना के रास्ते अपने आखिरी गंतव्य तक पहुंचेगी। तो ये थी उत्तर बिहार के रूट से गुजरने वाली, या हम कहें कि उन स्टेशनों से गुजरने वाली जिसमें कि इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। ऐसे में जो है इन ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। अगर आप इन ट्रेनों से सफ़र करने वाले हैं तो आपको अपने ट्रेन की स्थिति एक बार ज़रूर जानने की ज़रूरत है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।